ये और अच्छा है हा? सभी यहां उपस्थित पत्रकार बंधु, 11 दिसंबर 2018 को पिछली विधानसभा का परिणाम आया। परिणाम स्पष्ट था, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके आई थी। 17 दिसंबर को मैंने शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली, और 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल की शपथ ली। आज 20 मार्च है और ये लगभग 15 महीनों में मेरा प्रयास रहा कि हम प्रदेश को एक नई दिशा दें, प्रदेश की तस्वीर बदले। मेरा क्या कसूर था इन 15 महीनों में, मेरी क्या गलती थी? मैंने लगभग 40-45 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा विकास में विश्वास रखा। जब मैं केंद्र में था, यूपीए सरकार में था, मैं मंत्री था, जितनी मदद हो पाए मैंने राज्य के लिए करने का प्रयास किया, और ये आंकड़े और समय इसका गवाह है। मुझे जनता ने 5 साल का मौका दिया था, 5 साल का मौका दिया था प्रदेश को सही रास्ते पर लाने के लिए, 5 साल का मौका दिया था कि प्रदेश की नई पहचान बने, प्रदेश पर विश्वास लोगों पर होए। मध्य प्रदेश की तुलना छोटे राज्यों से नहीं, मध्य प्रदेश की तुलना बड़े राज्यों से हो, यह मेरा प्रयास था। और भारतीय जनता पार्टी को 15 साल मिले थे, आज तक मुझे 15 महीने मिले, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। इन 15 महीनों में प्रदेश का हर नागरिक गवाह है कि भाजपा को प्रदेश हित में मेरे द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य रास नहीं आए, इसीलिए भय और बौखलाहट में वे मेरे खिलाफ निरंतर साजिश करते रहे। आप सब जानते हैं कि महीने भर में जब हमारी सरकार बनी थी, जब हमारा मंत्रिमंडल बना था 25 दिसंबर 2018 को, हर 15 दिन कहा जाता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे ये सरकार महीने भर की सरकार है, ये सरकार 15 दिन की सरकार है। कहते थे कि गणतंत्र दिवस में भी हम झंडा फहराएंगे। ये सब आप गवाह, पहले दिन से इन्होंने ये षड्यंत्र शुरू किया, फिर भी हमने अपना कार्य शुरू किया और हमारे आज 22 विधायकों को प्रलोभन देके कर्नाटक में बंधक बनाने का काम किया, जिसकी सच्चाई देश की जनता ने प्रतिदिन देखी है, रोज टीवी में, रोज अखबारों में उन्हें देखी है। किस प्रकार से करोड़ों रुपए खर्च कर प्रलोभन का खेल खेला गया, ये आज पूरा प्रदेश इसका गवाह है। एक महाराज और उनके द्वारा प्रोत्साहित 22 लोभियों के साथ मिलकर भाजपा ने ये खेल रच लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की, जिसकी सच्चाई थोड़े ही समय में सबके सामने आ जाएगी। प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाले इन लोभियों और बागियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता था
मैं चाहता था कि कांग्रेस महल में नहीं बल्कि महल कांग्रेस में आए ताकि जनता शक्तिशाली बने, ये मेरी इच्छा थी। कई बार पिछले 15 महीनों में हमने विधानसभा में अपनी बहुमत साबित की, 3 दफे हमने करी, 3 दफे वोटिंग हुई, हमने अपनी बहुमत साबित करी। हमने जब ये बहुमत साबित करी उनसे ये बर्दाश्त नहीं किया गया, मेरी सरकार को अस्थिर प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता के साथ ये विश्वासघात हुआ है और ये मैं दोहराना चाहता हूँ, ये विश्वासघात मेरे साथ है, ये विश्वासघात मध्य प्रदेश की जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता थी कि प्रदेश एक नई दिशा में चल रहा है, प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बन रहा है, उनको ये चिंता थी और ये लगे रहे कि मेरे सरकार को अस्थिर कैसे किया जाए। 15 महीनों में हमने किसानों कृषि क्षेत्र पे राहत पहुंचाने का प्रयास किया, 15 महीनों में 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, दूसरे चरण में 7.5 लाख किसानों का कर्जा माफी की प्रक्रिया चालू है, 1 जून से हम कर्जा माफी की तीसरी चरण प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें 2 लाख किसानों का कर्जा माफ करने होगा। खेती को लाभ का धंधा बनाकर प्रदेश में कर्ज के बोझ के कारण आत्महत्या कर रहे किसानों की रोक लगी, किसानों के हक में के हित में हमने कई निर्णय किए। भाजपा ने हमारी सरकार के साथ षड्यंत्र कर उन्हीं सभी किसान भाइयों के साथ धोखा व विश्वासघात करने का प्रयास किया है। 15 महीनों में हमने प्रदेश को माफिया मुक्त करने का प्रयास किया और उनके खिलाफ अभियान चलाया। भाजपा नहीं चाहती थी कि माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई करी जाए, ये अभियान चलाया जाए और माफिया 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस तरह पनपी हर नागरिक जानता है। मेरा प्रयास था कि हम अपने प्रदेश को एक भयमुक्त और सुरक्षित बनाने का प्रयास करें, युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की, भाजपा के शासनकाल में जितनी बेरोजगारी बढ़ी थी हमारा प्रयास था इसमें रोक लगाई जाए और हमारे भाजपा के हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए नए मौके बने। 15 महीनों में हमने मिलावट मुक्त प्रदेश बनाने के लिए शुद्ध का युद्ध का अभियान चालू किया। भाजपा नहीं चाहती थी कि प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ हो, प्रदेश की सड़कों पर घूम रही हमारी गौ माता के संरक्षण के लिए 1000 गौशाला बनाने का निर्णय लिया, ये भाजपा को रास नहीं आया। इंदिरा गृह ज्योति के माध्यम से प्रदेश की जनता को 100 रुपये और में 100 यूनिट बिजली प्रदान की, जिसकी फायदा प्रदेश के करीब 1 करोड़ नागरिकों को हुआ, ये भाजपा नहीं चाहती थी कि ये सुविधा मिले, ये भाजपा को रास नहीं आया। प्रदेश के नाम वृत्त पटल पर पहुंचाने के लिए, प्रदेश विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए भी हमने प्रयास शुरू किया था और प्रदेशवासी इसके गवाह हैं।
कि किस प्रकार से हमने कार्यक्रम किए। कन्या विवाह में 28,000 से बढ़कर 51,000 रुपए भाजपा को ये राशि आया, ये भी हमने किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया, ये भाजपा को राशि आया। राम वन पथ गमन के निर्माण का संकल्प लिया, श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनाने का निर्णय लिया, ये भाजपा को राशि आया। महाकाल मंदिर के व्यवस्था विस्तार को लेकर 300 करोड़ रुपए की योजना बनाई। हमने ओंकारेश्वर मंदिर के विकास को लेकर लगभग 145 करोड़ की योजना बनाई, ये भाजपा को राशि मिला। पुजारियों का मानदेय 3 गुना हमने बढ़ाया, ये भाजपा को राशि आया। आदिवासी भाइयों को सहकारी ऋण से मुक्ति दिलाने का काम किया। मुख्यमंत्री मदद योजना के तहत शादी और मृत्यु होने पर सहायता का प्रावधान किया। आदिवासी इलाकों में 40 एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। वन अधिकार के पट्टे दिलवाए तथा इस वर्ग के उत्थान की भलाई के लिए कई कार्य हमने शुरू किए। 15 महीनों में हमने अपना वचन पत्र, हमारा वचन पत्र 5 साल का था, 15 महीनों में 400 वचनों को पूरा किया। 21,000 अधूरी घोषणाएं वाली भाजपा की हमारी वचनों को पूरा करने का ये रास्ता आया। पिछले वर्ग के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया, जिससे इस वर्ग का उत्थान व विकास हो सके, भाजपा को ये रास्ता आया। आर्थिक रूप से सामान्य कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान किया, भाजपा को ये रास्ता आया। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का कार्य प्रारंभ किया, भाजपा को ये रास्ता आया। प्रदेश में निरंतर निवेश आता रहे, प्रदेश में निवेश आए, एक नया विश्वास, निवेश विश्वास से आता है। देश में मध्य प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जहां लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास हो। हमने कोई झूठी इन्वेस्टर्स मीट नहीं करी, झूठी घोषणा इसमें नहीं करी, पर हमने एक शुरुआत करी। मैं और नहीं जाना चाहता कि प्रदेश के हित में बहुत सारे जो हमने उल्लेखनीय निर्णय किए, जिनकी सूची काफी लंबी है। भाजपा को हमारे जन हितैषी कामों से यह भय आने लगा कि प्रदेश की बागडोर हमारे हाथों में अब शायद कभी ना आए। प्रदेश की जनता इस सच्चाई को जानती है। मैंने इन 15 महीनों में दिन रात कार्य कर प्रदेश को का प्रोफाइल बदलने का काम किया और प्रदेश के पिछले 15 सालों की तस्वीर भी अपने प्रदेश की जनता को दिखाई। 15 महीनों में हमारे ऊपर किसी भी घोटाले या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। प्रदेश की जनता ये महसूस किया कि सरकार क्या होती है, जन हितैषी कार्य क्या होते हैं। भाजपा कितनी भी साजिश रच ले, विकास के पथ पर हम सदैव रहेंगे। चुनौतियों का डटकर हम मुकाबला करेंगे। कर्तव्य के पथ पर ना हम रुकेंगे, ना डिगेंगे, ना झुकेंगे। प्रदेश की जनता का विश्वास हमारे साथ है और मुझे विश्वास है कि जनता का प्रमाण पत्र मुझे मिलेगा, हमारी सरकार को मिलेगा। मुझे भाजपा का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे प्रदेश की जनता का प्रमाण पत्र चाहिए।
मैंने इन कामों की सच्चाई प्रदेश की जनता जानती है और मुझे जनता का प्रमाण पर मुझे विश्वास है अवश्य मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले दिन से ये डर था कि एक सफल सरकार, एक ऐसी सरकार जो एक मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने जा रही है, इससे इसको भय था। भाजपा सोचती है कि मेरे प्रदेश को हराकर खुद जीत जाएंगे। ना ये मेरे प्रदेश को हरा सकते हैं, ना मेरे हौसले को, या जितना षड्यंत्र मेरे प्रदेश के साथ करेंगे उतना ही मेरा विश्वास दृढ़ होगा। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने हमेशा कुछ मूल्यों का पालन किया है और ये मूल्यों का पालन मैं करता रहूंगा। भाजपा सोचती है कि ये जो शरण इन्होंने रचा है, इससे ये सफलता प्राप्त करेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कभी सफल नहीं होगा। मेरा संकल्प है कि जहाँ भी रहें, हमारे पास पद हो या नहीं हो, हम प्रदेश के हित, प्रदेश के हमारे नौजवान, प्रदेश के हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारे कमजोर जातियाँ, प्रदेश के किसानों के हित के काम में हम लगे रहें। मैंने ये तय किया है कि ये जो 9 मार्च को ये 16 विधायकों को ले गए, कौन से जा 16 9 मार्च को तो 16 को ही ले गए, किस जहाज में ले गए, किसने उसका व्यवस्था करी, किसने उसका पैसा दिया, कहाँ ठहरे, किस प्रकार का दबाव था, आगे आने वाले समय बताएगा। सबको ये याद रखना है कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, और परसों आएगा जनता गवाह है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया है, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी और मैंने हमेशा कहा, और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह है कि 15 साल के भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सका। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। मैंने तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कभी फोन नहीं किया, कभी निजी काम के लिए, कभी किसी सिफारिश के लिए मैंने फोन नहीं किया। अगर मैंने किया तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया, ये तो मैंने सदन में कहा था और इन मूल्यों का मैं पालन हमेशा करता रहूंगा। यही मेरी मजबूती है, यही मेरी शक्ति है। मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य, मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का जो हमारा प्यार का संबंध है, हम सब मिलकर आगे आने वाले समय के चुनौतियों का सामना करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। All right, so that's the latest coming in pretty much after delivering a